दोस्तों ओम नमः शिवाय। दोस्तों रोजाना अपना राशिफल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सेलेक्ट ऑल कर लें। धनु राशि वालों अब मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अब आपको रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश और धन की देवी मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से 3 जुलाई से 17 जुलाई यानी कि जुलाई माह के इन 15 दिनों के अंदर मिलने वाली है बहुत बड़ी खुशखबरी। जहां दोस्तों बता दें, इन 15 दिनों के अंदर अब आपके पास गाड़ी भी होगी, बंगला भी होगा और मनचाहा पैसा भी होगा। आपको बता दें, अब रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा से इन 15 दिनों का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय साबित होने वाला है। बस आप मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यह समय आपके लिए वह समय होगा जब आपको बड़ा लाभ मिलेगा, बड़ी बड़ी सफलताएं मिलेंगी, बड़ी बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। क्योंकि इन 15 दिनों के अंतराल में बुधत्य योग, गज केसरी योग, धन लक्ष्मी प्राप्ति योग, सौभाग्यवान योग, राजयोग, धन योग जैसे अनेकों अत्यंत शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें कि भगवान गणेश माता लक्ष्मी की कृपा से इन 15 दिनों का समय आपके लिए भाग्य उदय का समय रहेगा, धन प्राप्ति का समय रहेगा। यह वह समय होगा जब आपके मन के अनुसार आपकी इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं, गाड़ी पैसा बंगला सब कुछ आपके पास होगा। या दोस्तों अब आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं, यूं कहें रोना धोना बंद कर दो, आप अपनी किस्मत को कोसना बंद कर दो आप, क्योंकि अब भगवान गणेश माता लक्ष्मी आपकी राशि वालों पर बहुत अधिक प्रसन्न हैं, मेहरबान हैं और आपकी सभी इच्छाएं अब पूर्ण होंगी। और दोस्तों आपको बता दें कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियां हैं, किस प्रकार इस समय का आप लाभ उठा सकते हैं, किस प्रकार गाड़ी पैसा बंगला इन सबों की आपको प्राप्ति होगी, वीडियो में आपको वही बताएंगे। कुछ जरूरी बातें, कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में बताएंगे जो कि इन 15 दिनों में आपको बरतनी होंगी। इन बातों को ध्यान में रखना होगा तभी आपको इस समय का लाभ मिलेगा, नहीं तो दोस्तों आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा और आया हुआ भी आपके हाथ से निकल जाएगा। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, अंत तक वीडियो में जरूर बने रहे। आज की वीडियो केवल नसीब वालों के लिए है और वो मां भाग्यशाली होगा जो आज की वीडियो को पूरी देख कर जाएगा और वो बहुत पछताएगा, रोता रहेगा जीवन भर जो आज की इस वीडियो को देख कर भी नजरअंदाज करेगा। इसलिए दोस्तों सारे काम छोड़कर वीडियो सबसे पहले देखें और शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखें, यदि इस समय का लाभ आपको लेना है, भगवान गणेश माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त करनी है। या दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करें, सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं भगवान गणेश माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करें सबसे पहले, और सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय श्री गणेश जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे भगवान गणेश माता लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो चलिए दोस्तों समय न गवाते हुए बात करते हैं किस प्रकार रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश और धन की देवी माता लक्ष्मी की असीम कृपा से आपकी राशि वालों के लिए 3 जुलाई से 17 जुलाई यानी कि 15 दिनों का यह समय रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि यह समय ग्रह गोचर तथा भाग्य आपके पक्ष में पूरी तरह काम कर रहे हैं, इसलिए अपनी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान निकालने के लिए यह समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। इसलिए आप प्रयासरत रहें, युवा वर्ग कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करेंगे। जी हां दोस्तों, कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करने से आपको राहत महसूस होगी, बहुत खुशी महसूस होगी आपको। साथ ही साथ पिछले कुछ समय से जो भी दीर्घकालीन योजनाएं आपने बना रखी थी, अब उन लक्ष्य को हासिल करने के लिए समय आ चुका है, समय उत्तम रहेगा आपके लिए। आध्यात्मिक तथा सामाजिक गतिविधियों में भी व्यस्तता का आलम रहेगा, घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा देखभाल में भी समय आपका व्यतीत होगा। आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी महत्वपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप इस समय अपनी पूरी ऊर्जा लगा देंगे और यकीन मानिए आप उसमें सफल भी रहेंगे। कोई भी महत्वपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको बता दें समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।
जिस भी काम में हाथ डालेंगे सफलता आपको अवश्य मिलेगी, सफलताओं के झंडे गाड़ेंगे आप इस समय में। साथ ही साथ इस समय किसी इंटरव्यू या फिर सम्मेलन में महत्वपूर्ण उपलब्धि आपको प्राप्त होगी। कुल मिलाकर समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, इस समय का बेहतरीन सदुपयोग करें। साथ ही साथ अचानक ही किसी नजदीकी मित्र या फिर रिश्तेदार से आपकी मुलाकात रोजमर्रा के तनाव भरे माहौल से आपको राहत भी देगी तथा एक नई ऊर्जा भी आप महसूस करेंगे। साथ ही साथ जिस शुभ समाचार को प्राप्त करने के लिए, सुनने के लिए आप पिछले काफी समय से प्रयासरत थे, दोस्तों वह शुभ समाचार आपको इस समय प्राप्त हो जाएगा। खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा आपके लिए, आपके मन के अनुसार जो इच्छाएं थी वे पूर्ण होंगी इस समय में। साथ ही साथ भवन निर्माण संबंधी यदि कोई कार्य रुके हुए हैं वे भी अब पुनः गति पकड़ेंगे। महत्वपूर्ण लोगों के साथ समय व्यतीत करने से आपके व्यक्तित्व में और सकारात्मक बदलाव आ जाएगा। साथ ही साथ किसी जरूरतमंद मित्र की सहायता करने से भी आपको खुशी प्राप्त होगी। और दोस्तों साथ ही साथ आपको एक बात और बता दें, सावधानी के तौर पर इस बात को सुने, क्रोध व गुस्से को अपने ऊपर आप इस समय हावी ना होने दें, अन्यथा बना बनाया काम भी आपका बिगड़ सकता है। सावधान रहें, किसी घनिष्ठ व्यक्ति से संबंधित अप्रिय घटना की सूचना मिलने से मन थोड़ा व्यतीत भी रह सकता है आपका। साथ ही साथ कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है, सावधान रहें नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से। अपने मन के अनुसार कार्य करें, दूसरों के बहकावे में बिल्कुल ना आए आप। हालांकि आप उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे इन दिनों। साथ ही साथ खर्चों की भी अधिकता रह सकती है जिसकी वजह से कुछ महत्वपूर्ण काम भी रुक सकते हैं। बस ये आपको देखना है कि खर्च आपको धन का जो खर्च है वह किस प्रकार करना है। साथ ही साथ पड़ोसियों के साथ किसी प्रकार का झगड़ा या फिर कहा सुनी होने की आशंका है, थोड़ा सावधान नहीं बेहतर रहेगा कि फालतू की गतिविधियों में अपना समय व्यर्थ आप ना करें तथा अपने कार्य में ही ध्यान केंद्रित रहें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और दोस्तों साथ ही साथ एक बात का ध्यान यह भी रखें, इसे आप सावधानी पूर्वक सुने, आप अपनी भावनाओं तथा उदारता का फायदा मत उठने देना। या दोस्तों अपनी भावनाओं व उदारता का गलत फायदा भी आपका उठाया जा सकता है, थोड़ा सावधान रहें। इसलिए किसी भी प्रकार के व्यक्ति से आप दूरी बनाकर रखें जो आपका अहित चाहता हो। ये आपको देखना है कौन आपका हित चाह रहा है, कौन आपका अहित चाह रहा है। इसलिए किसी भी प्रकार के किसी के साथ संपर्क स्थापित करते समय सचेत रहना आपके लिए आवश्यक है। और दोस्तों आपको बता दें, अब आपकी इस समय लव लाइफ किस प्रकार रहेगी, आपका प्रेम जीवन किस प्रकार रहेगा, ध्यान से सुने। दोस्तों पारिवारिक वातावरण बेहद सुखद बना रहेगा, बच्चों से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलने से मन आपका बहुत प्रसन्नता रहेगा, प्रसन्न चित रहेगा आपका मन। साथ ही साथ परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल में जाने का इस समय प्रोग्राम भी बन सकता है। आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि लेने से मन को सुकून और शांति प्राप्त होगी। पति पत्नी के बीच यदि कोई मतभेद चल रहा है उसका निराकरण होगा, समाधान निकलेगा, पुनः पति पत्नी के बीच रिश्ते प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। प्रेम संबंध अब बहुत ही अनुकूल होने वाले हैं इस समय में। घर परिवार की व्यवस्था भी सुचारू रूप से व्यवस्थित हो जाएगी, घर परिवार में खुशनुमा वातावरण रहेगा। जीवन साथी के साथ घूमने फिरने तथा रोमांटिक गतिविधियों में समय व्यतीत होगा। परिवार में किसी व्यक्ति की सगाई या फिर विवाह से संबंधित योजनाएं भी बनेंगी, प्रेम संबंधों के लिए समय बहुत ही अच्छा साबित होगा। और दोस्तों साथ ही साथ अब बात करें आपका व्यवसाय, आपका करियर किस प्रकार इस समय रहेगा, तो दोस्तों ध्यान से सुने।
व्यवसाय और नौकरी से संबंधित किसी भी कार्य का प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णय आपको स्वयं ही लेना होगा, चाहे वे नौकरी से संबंधित हो या फिर व्यवसाय से, आपको स्वयं लेना होगा निर्णय। क्योंकि काम की क्वालिटी में कमी आने से खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों को बॉस वे अधिकारियों से बहुत सराहना प्राप्त होगी, आपकी बढ़ाई होगी, ये माने, क्योंकि आप काम ही कुछ इस प्रकार करेंगे, बॉस और अधिकारी वर्ग आपसे बहुत खुश रहने वाले हैं। और दोस्तों साथ ही साथ नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए ऐसे भी योग बन जाएंगे कि उनका प्रमोशन भी हो सकता है, वेतन में वृद्धि हो सकती है या फिर स्थान परिवर्तन भी हो सकता है मनचाहा, इतना अच्छा समय साबित होगा नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए। और साथ ही साथ जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए भी नौकरी प्राप्ति के योग हैं, ये भी मान लें। यदि पिछले कुछ समय में आपने जल्दी में कोई इंटरव्यू दिया है, उसका अच्छा रिजल्ट, अनुकूल रिजल्ट अब आपके सामने आने वाला है, आपको मनचाही नौकरी मिलने वाली है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति प्रबल होगी, घर परिवार में खुशनुमा वातावरण रहेगा। साथ ही साथ यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ अवश्य मिलेगा। या दोस्तों आप अपने धैर्य व आत्मबल पर अवश्य ही कोई बड़ा काम करने वाले हैं इस समय में, ये मान लें आप, इतना अच्छा समय आपके लिए साबित होगा। और दोस्तों साथ ही साथ किसी भी प्रकार का आप लेन देन करते हैं तो उसमें भी आप सावधानी बरतें। और आपको यह भी बता दें, यदि आप भूमि वाहन से संबंधित व्यवसायिक गतिविधियों में हैं तो दोस्तों उसमें आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ नौकरी तथा कार्य क्षेत्र में लक्ष्य व टारगेट को पूरा करने में भी आपको कामयाबी प्राप्त होगी, उच्च स्तर के अधिकारियों से संबंध अच्छे होंगे आपके। साथ ही साथ यदि आप प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय में जुड़े हैं उसमें आपको लाभ अवश्य मिलने वाला है। और साथ ही साथ शेयर सट्टे से जुड़े लोगों को बड़ी कामयाबी प्राप्त होगी, सफलताएं मिलेंगी। और साथ ही साथ अगर कोई कोर्ट से मामला चल रहा है तो दोस्तों इस समय आपको उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। यदि कोर्ट से संबंधित कोई केस चल रहा है, कोई मामला चल रहा है, तो उसके अच्छे शुभ परिणाम आपके पक्ष में साबित होंगे। कुल मिलाकर व्यवसाय करियर से संबंधित समय अच्छा रहेगा, लाभ उठाएं समय का। और दोस्तों अब बात करें इस समय आपका स्वास्थ्य किस प्रकार रहेगा, तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि स्वास्थ्य तो आपका उत्तम रहेगा, फिर भी मौसमी बीमारियों के प्रति आपको सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है। आपको बता दें ज्यादा तनाव की वजह से सरदर्द व एसिडिटी जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। कुछ समय मेडिटेशन में भी व्यतीत करें, अपने दिनचर्या व खान पान को उचित बनाकर रखें, आपको लाभ होगा। तरल पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करें, मसाले युक्त भोजन से परहेज करें, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। धन्यवाद।